लीडरशिप क्यों जरूरी है, आज का हमारा टॉपिक भी है लीडरशिप ट्रेनिंग वर्कशॉप। इस दुनिया के अंदर, खासकर इस बिजनेस के अंदर, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, आपको बड़ी अचीवमेंट लेनी है, तो आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? लीडरशिप क्वालिटी को आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जितने भी कामयाब लोग हैं, आप देखिए जाके मीटिंग सेमिनार के अंदर, उनके अंदर सारी लीडरशिप क्वालिटी आपको मिलेगी। क्या क्या चीज है वो मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन लीडरशिप जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगैर लीडरशिप स्किल से आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। आप बड़ा काम करना चाहते हैं? बड़ा काम करना चाहते हैं? तो लीडरशिप स्किल जरूरी है या नहीं है? है या नहीं है? अब लीडरशिप एक्चुअल में होती क्या है, इसके पीछे मैंने एक लीडरशिप की ट्रेनिंग पीछे दी थी, उस पर मैं नहीं जाऊंगा डिटेल के अंदर। लीडरशिप के बारे में सबसे ज्यादा अगर हम किसी व्यक्ति से इस दुनिया के अंदर अगर समझ सकते हैं, जो मेरा पर्सनल अनुभव है और बहुत सारे लोग उसको मानेंगे भी, रामायण कितने लोगों ने सुनी है? सभी लोगों ने सुनी है तकरीबन। रामायण में एक पात्र आते हैं हनुमान, सुना है आपने हनुमान जी के बारे में सबने? हनुमान जी एक ऐसे जीव थे, क्या थे वो? वानर, बंदर, यानी जानवरी थे। आज तक हमने ये तो सुना है कि कोई इंसान अगर चाहे तो इंसान से गुरु और गुरु से भगवान बन सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं कि एक इंसान भी भगवान बन सकता है, भगवान की तरह पूजा जा सकता है। लेकिन कोई जानवर भगवान की तरह पूजा जा सकता है, ऐसा कभी सुना था? हाँ जी, कभी सुना था कि कोई जानवर, वो भी बंदर, लेकिन उसके बावजूद भी एक वानर भगवान बन गया। और ना केवल भगवान बना, इतना शक्तिशाली भगवान बन गया कि रात को अगर हमें डर भी लगता था कभी कभी, तो हम क्या करते थे? मुंह से आती है या नहीं आती है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूं लोग उजागर, बोलते 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 जा रहे हैं। बचाने वाला कोई है या नहीं है? लेकिन मजेदार वाली बात पता क्या थी, ये बोलते बोलते हम घर भी पहुंच जाते थे आराम से, कोई भूत नहीं आता। जिनको बोला जाता है बल के देवता, शक्ति के देवता, यानी कि उनके चरित्र को अगर आप समझेंगे ना, उनके जैसी लीडरशिप क्वालिटी किसी के अंदर नहीं थी। रामचंद्र जी और उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, रामचंद्र जी इंसान और वो जानवर। बस एक बार मन से उनको मान लिया गुरु, क्या माना? मन से मान लिया गुरु। और उसके बाद जब जंगल में आए, उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात होकर क्या करना शुरू किया? उनके साथ रहना शुरू किया। आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, कई बार मीटिंग ट्रेनिंग में मैंने बताई है, आपने सुनी भी होगी, रामचंद्र जी के भाई कौन थे? लक्ष्मण। 14 वर्ष का वनवास किसको हुआ था? राम को हुआ था, लक्ष्मण को हुआ था? राम को। लेकिन लक्ष्मण ने 14 वर्ष का वनवास उनके साथ लिया, उनके साथ गए, घर परिवार राजपाट छोड़ के सब गए। वहां गए, बहुत सारी दिक्कत हुई, लड़ाई झगड़े हुए, मूर्छित भी हो गए, घर बार भाई के लिए छोड़ दिया। कौन छोड़ रहा भाई के लिए? कोई छोड़ रहा है क्या? सब कुछ करने के बाद, 14 वर्ष का वनवास करने के बाद भी आप में से कोई व्यक्ति खड़ा होकर मुझे ये बताए कि जी उस जगह पे लक्ष्मण जी का एक मंदिर है जहां पे हम सब लोग होके आए हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं जरा। लक्ष्मण जी का मंदिर किसी के याद आता है कहां पे? या तो राम जी के बराबर में उनकी मूर्ति लगी होगी, अलग से लक्ष्मण जी का शायद एक या दो जगह पे कहीं मंदिर आपको दिखाई देंगे, उसके अलावा दिखाई नहीं देंगे। लेकिन हनुमान जी के सब जगह हैं, जहां राम का मंदिर नहीं मिलेगा वहां हनुमान का मिल जाएगा। और रामचंद्र जी के लिए तो राजा थे, तो बहुत बड़े बड़े महल टाइप मंदिर बनाने पड़ेंगे। हनुमान जी का तो चौक के ऊपर बस एक छोटी सी कोठरी सी बना दो, उसमें बैठा दो, काम चल जाता है। हनुमान जी के लिए कपड़े बढ़िया चाहिए, तीर कमान चाहिए, ऊपर से गहने, ये सब कुछ चाहिए। हनुमान जी को क्या चाहिए? कोई मेकअप की जरूरत ही नहीं है, गेरुआ कलर आ रहा पोत दो, ऊपर से पन्नी चिपका दो, हो गया काम। अब सोचने वाली बात यह आप सबके लिए कि भाई कौन था? लक्ष्मण। लेकिन मंदिर किसके बन रहे हैं? ये कैसे हो रहा है भाई, ये क्यों हुआ? और यही वेस्टिज में भी होता है। आप कहते हो वो तो कामयाब हो गया, वो तो कामयाब हो गया, उसको तो गाड़ी मिल गई, उसको तो लाखों की इनकम आ गई। हनुमान जी और राम में एक छोटा सा फर्क था, अगर आज वो फर्क को आप समझ गए तो आज से लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। पहला फर्क, हनुमान जी ने कभी भी
रामचंद्र जी ने कोई भी बात उनको बोली है, कोई भी आज्ञा उनको दी है, हनुमान जी ने कभी भी उनको ये नहीं बोला कि ये काम मैं नहीं करूंगा। पूरी रामायण में अगर आपको याद होता हो तो बता दो मेरे को, पूरी रामायण के अंदर पढ़ लेना, और एक भी प्रसंग मुझे ऐसा दिखा देना जहां पे हनुमान जी ने जाके ये बोला हो कि ये काम मुझसे, या ये काम कैसे होगा वो बताओ, कभी नहीं देखा होगा। जब समुद्र पार करके भी जाना था तो चुपचाप बैठे थे, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं पार नहीं कर सकता हूं, जामवंत ने जाके बोला कि तुम पार कर सकते हो। कभी किंतु परंतु नहीं लगाया। अगर हनुमान जी की जगह आप या मैं होते और लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े होते, संजीवनी बूटी लानी थी, पहाड़ पे गए, सब जगह ढूंढा, संजीवनी बूटी दिखाई, पहचान नहीं रहे, आप और मैं होते तो क्या करते, क्या करते, वापिस आ जाते, कहते मिली नहीं। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी बुद्धि का परिचय दिया, क्या नहीं मिल रही तो इसी को उठा के, इसी को उठा के ले चलता, तो बुद्धि का परिचय, निस्वार्थ काम किया, निस्वार्थ। हनुमान जी का कोई स्वार्थ नहीं था। हनुमान जी ने कभी भी श्री रामचंद्र जी को यह नहीं बोला कि मैं इस काम को कर दूंगा, तुम मुझे राजपाट दोगे क्या, निस्वार्थ, क्योंकि उनके दिल में कौन बसे थे, राम बसे थे। और जब पूरी रामायण हो गई ना तो लास्ट में एक प्रसंग आता है कि जब सीता जी के साथ रामचंद्र जी वापस आए अयोध्या के अंदर और अपने महल में जब सिंहासन पर बैठे तो वो सबका धन्यवाद कह रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे सबको कि आपने ये किया, विभीषण आपने ये किया, लक्ष्मण आपने ये किया, सुग्रीव आपने ये किया, और सबको गिफ्ट दे रहे थे वो। तो हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी को उन्होंने क्या गिफ्ट दिया, सीता जी ने एक बहुत ही सुंदर माला अपने गले से उतार के रामचंद्र जी को गिफ्ट की थी। आपकी पत्नी ने आपको कोई गिफ्ट किया हो और आप वो गिफ्ट किसी और को दे रहे हो, दे दो तो अगले दिन खाना नहीं बनेगा आपके लिए, घर में बन जाएगा क्या, वो कहेगी मेरा गिफ्ट किसी और को दिया है। रामचंद्र जी ने वो माला उतार के, हीरे जवाहरात की माला, और वो हनुमान जी को गिफ्ट कर दी। उधर विभीषण का मुंह सूझ गया, उधर लक्ष्मण का मुंह सूझ गया, उधर सुग्रीव का मुंह सूझ गया, सब लोग परेशान, सीता अलग से परेशान, सब बोल रहे यार काम तो हमने भी किया है लेकिन ये माला हनुमान को क्यों दी गई। अच्छा दी गई वहां तक तो ठीक, अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं उस माला को, उस माला को लिया उसको तोड़ रहे हैं और मोती को, हीरे को ऐसे देख रहे हैं फेंक रहे हैं, पन्ना को ऐसे देख रहे हैं फेंक रहे हैं, जवाहरात जितने भी थे महंगे सबको ऐसे देख रहे हैं फेंक रहे हैं। तो विभीषण ने खड़े होकर बोला कि महाराज इंसान इंसान होता है और जानवर जानवर होता है। उन्होंने क्यों, क्या आपने अपनी सबसे प्रिय चीज जो सीता जी ने आपको गिफ्ट दी थी वो इसको दे दी, और देखो इस वानर को, इस जानवर को उसकी कदर ही नहीं है, तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। रामचंद्र जी को भी गलत लगा, उन्होंने हनुमान से पूछा कि हनुमान अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो कोई ना कोई बात होगी। और हम लोग क्या करते हैं, अगर सामने वाला कोई काम कर रहा होता है तो हम पहले ही सोच लेते हैं गलत, ऐसे बात ही करना बंद कर दो। लेकिन हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि भाई तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, तो रामचंद्र जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया जो इस मीटिंग का सबसे बड़ा मैसेज मैं आपको देने वाला हूं। उन्होंने कहा इसमें हीरे हैं, जवाहरात है, सब कुछ है, लेकिन हीरे जवाहरात में मैं सिर्फ एक ही नाम खोज रहा हूं और वो है मेरे प्रभु नाम का, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, सब कुछ मेरे लिए बेकार। तो मैसेज करते समय अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट घर में आ रहा है तो आपका मंदिर कभी बन नहीं सकता, आपका मंदिर कभी बन नहीं सकता। जितने लोगों के लाख रुपए के चेक आ रहे हैं उनके घर जाके चेक करो, ए टू जेड प्रोडक्ट जो होगा ना घर के अंदर वो वेस्टेज कर लेगा। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जिस महीने चेक बना तो मोटिवेट हो गए, सामान खरीद लाए, अगले महीने चेक नहीं बना छुट्टी, अब नहीं खरीदता। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बोला था कि भाई वनवास मुझे मिला तुझे नहीं मिला, तू माँ बाप की सेवा कर, लेकिन लक्ष्मण ने क्या बोला, नहीं मैं तो चलूंगा तुम्हारे साथ, चल भाई नहीं मान रहा। सुपर्णा आ गई, सुंदर युवती बनके वहां पर नृत्य कर रही है, रामचंद्र जी ने बोला कि ये राक्षस नहीं है, ये हमारे को हमारे उससे भटका रही है, पंगे मत ले। लेकिन लक्ष्मण जी ने पंगे लिए क्या किया, नाक काट दी, वो कहां चली गई,
रावण के पास, रावण को गुस्सा आ गया, रावण आया हिरण बन के, आई रावण आया, सीता जी ने बोला मुझे यही चाहिए, रामचंद्र जी गए लेने, लक्ष्मण के बोल गए कि तू यहां से हिलियो मत जब तक मैं ना हूं, ये मेरा आज्ञा है, ये मेरा ऑर्डर है, तेरे को हिलना नहीं है यहां से। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या किया, क्या किया, वो आवाज सुनाई दी कुछ और वहां से लक्ष्मण रेखा खींच के, यानी जब जब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को जो जो बात बोली, लक्ष्मण जी ने क्या किया उस बात को, लेकिन हनुमान जी ने किंतु परंतु नहीं लगाया, इसलिए हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है, लक्ष्मण के मंदिर कहीं भी देखने को नहीं मिले। और आपकी अपलाइन बोले कल मीटिंग में आना है, तुम्हें हमेशा मीटिंग की लगी रहती है, तुम मुझे समझाओगे, जुड़ तो गया हूं, ले तो रहा हूं सामान, एहसान कर तो रहा हूं तुम्हारे ऊपर, काम चलेगा, काम चलेगा। मैंने जिस दिन से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है उस दिन से लेके आज तक मेरी अपलाइन को मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी है कि अजय जी प्रोडक्ट खरीदे या नहीं खरीदे, बिजनेस मेरा है तो प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा, अपलाइन से कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आ रही है, मेरी अपलाइन ने कभी नहीं बोला कि ड्रेस कोड आपको पहनना है, बिजनेस मेरा है तो मेरे को खुद पहनना पड़ेगा। मेरी अपलाइन ने कभी मुझे नहीं बोला कि आपको मीटिंग ट्रेनिंग में जाना है, बिजनेस मुझे बड़ा करना है, जिंदगी मुझे अपनी अच्छी करनी है तो काम कौन करेगा, काम कौन करेगा, मुझे कर। तो लीडरशिप हम हनुमान जी से सीख सकते हैं, राम जी के प्रति उनका समर्पण 100% था, हर कार्य को निस्वार्थ किया उन्होंने, कोई स्वार्थ नहीं था, यहां तो हमारा स्वार्थ है हम तब नहीं कर रहे हैं, हमें मिलेगा हम तब नहीं कर रहे हैं, वहां तो निस्वार्थ उन्होंने सारा काम किया। कभी भी ये नहीं बोला कि मुझसे काम नहीं होगा, ये काम कैसे होगा, ये कभी भी उन्होंने नहीं बोला, तो इसलिए हनुमान जी हनुमान जी। बात समझ में आ रही है, तो आज के बाद आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपको जो भी बोले तो क्या कहना है, क्या कहना है। अभी विजय जी हैं मेरे साथ, नेवी से हैं, एक बार सर खड़े होंगे, ये 700 किलोमीटर दूर से हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दो। सर आपकी वाइफ की अभी घर पे चर्चा हो रही थी, आपकी वाइफ की तबीयत खराब थी, आप उनको लेके हॉस्पिटल गए थे, ऑफिस से फोन आया था, आप मुझसे चर्चा कर रहे थे, क्या बोला उन्होंने, नहीं जो फ्लाइट बोल रहे थे कि तुरंत फ्लाइट पकड़ के, अच्छा, हाँ क्या आप रेडी थे उसके लिए, रेडी तो नहीं था लेकिन जाना पड़ा। बैठिए, जिस जॉब के अंदर हैं अचानक रात को फोन आता है कि वो कहां पे, उनको बोलो सवेरे की फ्लाइट पकड़ के तुरंत जॉब पे आना है, तो इनको तुरंत जॉब पे जाना पड़ा था, एक्सक्यूज नहीं लगा सकते, ये जाना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी के अंदर आप अपने टाइम के मालिक हो ही नहीं सकते ना, लेकिन वेस्टिज के अंदर आप अपने टाइम के मालिक, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आज मैं आपसे 14-15 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करूंगा, उसको नोट डाउन कीजिए, जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी निखरेगी और वेस्टिज में जब जब आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप इन पॉइंट्स को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आप कहां पे गलती कर रहे हैं, और जहां पे गलती होगी उसके अंदर सुधार करना किसका काम है, मेरा काम है बताना, और सुधार करना किसका काम है, वो आपका है। तो पहला जो काम जो आपको करना है, फिर दोबारा से मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं वही बात, फिर दोबारा पूछ रहा हूं और बीच बीच में कई बार पूछूंगा, क्या आप वाकई 1,00,000 रुपए महीना कम से कम कमाना चाहते हो, दिल से बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो, एक बार ताली बजाओ। पहला काम जो आपको करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है, 1,00,000 रुपए कम से कम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पहला काम आपको करना है 3 से 5 साल का कमिटमेंट, लिख लो डायरी में, 2-4 दिन का बिजनेस नहीं है, 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए हम लोग बिजनेस को नहीं कर रहे हैं। इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जो कम से कम 3 से 5 साल का कमिटमेंट करते हैं। कितने साल का, 3 से 5 साल का कमिटमेंट। क्यों जरूरी है 3 से 5 साल का कमिटमेंट? अच्छा, जब आप अपनी जॉब पे जाते हो तो कुछ कमिटमेंट करते हो नहीं करते हो? 9 बजे अगर ड्यूटी का टाइम है तो कितने बजे पहुंचते हो वहां? जाने के बाद जो बॉस बोलता है वो सारा काम करते हो? छुट्टी के टाइम पे छुट्टी मिलती है? लंच के टाइम पे लंच होता है? आप वहां जाके अगर कुर्सी में बैठ जाओ, आप कहो मैं आ गया हूं लेकिन मैं काम, कोई तनख्वाह देगा? 10,000-15,000-20,000 रुपए की नौकरी के लिए हम कितने कमिटेड हैं दोस्त? घर में अगर वाइफ की तबीयत भी खराब हो ना, बॉस बोले वाइफ से मुझे मतलब नहीं है, मेरा काम रुका हुआ, तुम्हें आना पड़ेगा,
तो हम 100% कमिटमेंट के साथ वहां पे जाते हैं। जाते नहीं जाते हैं। एक दुकान के प्रति हम कमिटेड होते हैं, होते नहीं होते एक दुकान के प्रति हम कमिटेड। कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, शॉप चलाते हैं, क्या करते हैं सर आप, बैठ के बताइए। इलेक्ट्रॉनिक शॉप है अपनी, है सर। कितने बजे ओपन करते हैं? शाम को 8 बजे तक। अच्छा, अगर 2-4 दिन अगर दुकान नहीं खोलेंगे तो कस्टमर नहीं आएगा, ग्राहक कहीं और चला जाएगा। 10-15-20 हजार रुपए के लिए हम कमिटेड होते हैं सर। दो टांग पे खड़े होकर हम लोग नौकरी करते हैं, बड़े सोच समझ के छुट्टी लेते हैं। छोटी सी दुकान हम चलाते हैं, 5-10-20-30 हजार रुपए महीना कमाते हैं, उसके लिए 100% कमिटेड होकर काम करते हैं। करते नहीं करते हैं, हमारा कमिटमेंट होता है उसके प्रति। लेकिन वेस्टेज में आने के बाद हमारा कमिटमेंट कहां चला जाता है? मैं अपनी हर मीटिंग की शुरुआत एक चीज से करता हूं जो मैंने आज की नहीं यहां पे। आप अपने दिमाग में वो चीज डाल लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। मैं अपनी हर मीटिंग में पूछता हूं, यहां पूछता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, हाथ खड़ा करें। अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। अभी मैंने जब बोला था तब इतने हाथ खड़े नहीं थे। अच्छा, वेस्टेज बिजनेस क्या है, क्या ये? लेकिन मैंने पूछा कितने लोग अपना बिजनेस करते हैं, किसी ने हाथ ही खड़ा नहीं किया। यहीं से आपकी सफलता और असफलता की शुरुआत होती है। क्या ये बिजनेस है या नहीं है? लेकिन हमारा दिल अभी तक इसको बिजनेस मानता, हम लोग पता क्या किस सोच के साथ जुड़े हैं। चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, दाल रोटी चल तो रही है। जब इस सोच के साथ काम करोगे ना कि चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी तो कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्त। और यही कारण है आपका बिजनेस ना चलने का। क्यों? क्योंकि आप किसी से भी, कोई भी व्यक्ति जब आपसे पूछता है क्या काम करते हो, कहते नौकरी करता हूं, दुकान चलाता हूं, पढ़ाई करता हूं। आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है, दिल पे हाथ रख के सोच के देखना, जिस दिन दिल पे हाथ रख के कोई व्यक्ति अगर आपसे ये पूछे ना कि आप क्या काम करते हो, और आपके दिल से एकदम से तुरंत निकले कि मैं वेस्टेज बिजनेस करता हूं, समझ लो उस दिन से बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। ये विश्वास जब तक नहीं होगा ना भाई साहब, 1 करोड़ रुपए महीने तक पहुंच गए लोग यहां पे, हम इसको बिजनेस नहीं समझ रहे, समझ ही नहीं रहे हैं तो होगा कहां से भाई, विश्वास ही नहीं है। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे, दो चीज अलग है, एक कोई पूछता है कितने लोग यहां जॉब करते हैं, वो अलग मैटर है, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जहां पे बात आए बिजनेस की, तो क्या करना है, मैं बिजनेस करता हूं। कौन सा बिजनेस करते हैं? वेस्टेज बिजनेस करता हूं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी बात के अंदर, मैं वेस्टेज बिजनेस करता हूं। सामने वाले पूछे वेस्टेज बिजनेस क्या, अच्छा मैंने भी सुना है वेस्टेज बिजनेस। भाई साहब क्या सुना है मुझे बताओ। अगर उसको वाकई दिल से पता होता वेस्टेज बिजनेस क्या है तो आपसे पहले जुड़ गया होता। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मैंने भी वेस्टेज बिजनेस सुना है लेकिन मैंने वेस्टेज बिजनेस नहीं किया है, समझ लिए उसको वेस्टेज की बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है, बैठा लो उसको तुरंत कि मेरे से सुन बेटा वेस्टेज बिजनेस क्या, मैं बताता हूँ। वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3-5 साल का कमिटमेंट दे सकते हैं, 3-5 साल तक कमिटमेंट दे सकते हैं इस बिजनेस में। 3-5 साल इस बिजनेस को छोड़ने की गलती तो नहीं करेगा यहाँ कोई भी? हाँ जी, ये हाँ बोलना बहुत आसान है, मैं ऐसे हाँ वाली बात नहीं कर रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं। क्या 3-5 साल का कमिटमेंट करके वेस्टेज बिजनेस में काम कर सकते हैं? वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ, पहला काम है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं वो है लर्न फर्स्ट अर्न लेटर। पहले क्या करना है? सीखना है। इनकम कब आएगी? कब आएगी इनकम? अब बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, पैदा होते उसको लंगोट बांधो और सड़क पर ले जाके बैठा दो, सही है, और उसको बोलो क्या चल भाई जा कमाने जा, होता है क्या? आप जितने लोग यहां पे बैठे हो दिल पे हाथ रख के बताओ, 18 साल से पहले, 20 साल से पहले, 22 साल से पहले, 25 साल से पहले आप में से किसी के भी मां बाप ने आपको बोला कि चाहे घर से बाहर निकलो पैसा कमा के ला? कोई 2-4 बैठे होंगे जो मजबूरी में मां बाप ने बोला होगा, मजबूरी में, बहुत कम उम्र में जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया होगा, बहुत मजबूरी वाली बात होगी जब मां बाप ने आपको बोला होगा।
वरना किसी माँ बाप के पास पैसा भी नहीं होता ना, वो माँ बाप ये कहते हैं इस बच्चे को पढ़ा दूं लिखा दूं जितना भी अपनी औकात से ज्यादा अपनी हैसियत से ज्यादा, और उसके बाद वो मार्केट में बोलते हैं, वो भी इसलिए अपने लिए नहीं, वो सारी जिंदगी खिला सकते हैं आपको, वो इसलिए कल को उसकी शादी नहीं होगी इसलिए इसको कमाना बहुत ज्यादा, तब मजबूरी में बोलता बाप कि बेटा जाके अब नौकरी कर ले, ऐसा होता ही नहीं होता, होता है। तो 12 साल आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी डेडिकेशन के साथ, माँ बाप ने खर्चा किया, कॉलेज के अंदर पढ़ाई की, इंस्टीट्यूट की भी एजुकेशन ली, लाखों रुपए माँ बाप का खर्च हुआ, मार्केट में जब निकले तो आपकी कीमत कितनी लगी, कितनी लगी, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, माँ बाप ने जो पैसा खर्च किया उसका इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, लेकिन वो पढ़ाई क्यों जरूरी है, क्योंकि जब नौकरी ढूंढने जाते हो पहला सवाल क्या होता है, कितने पढ़े लिखे हो, उस पढ़ाई को जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है उस नौकरी के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप में से कोई व्यक्ति यहां पे हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करे कि जो मैंने पढ़ाई स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ी थी एक्चुअल में वही एजुकेशन मेरी नौकरी के अंदर काम आ रही है, हाथ खड़ा करके, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मायने है ही नहीं। लेकिन हमारा समाज जो है वो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स 7वीं पढ़ा हुआ है, कॉलेज ड्रॉपर रहा है, वो कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, गया ही नहीं, और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, और हमारे को उल्टी गिनती पढ़ाई जा रही है, क्या पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे। महेंद्र सिंह धोनी कितना कमाता है, तेंदुलकर कितना कमाता है, विराट कोहली कितना कमाता है, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन कौन सी डिग्री है इनके पास, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि संपूर्ण इंसान बनने के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो आपके लिए एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहे हो ना, तो आज से बच्चों का माइंडसेट कम से कम ऐसा करो कि बेटा तू पढ़ तो रहा है लेकिन तेरे को नौकर बनने के लिए पढ़ाई नहीं करा रहा हूं, तेरे को मालिक बनने के लिए पढ़ाई करा रहा हूं, मैं नौकर बनने के लिए नहीं करा रहा हूं। हम गलत माइंडसेट, गलत बटन उसका दबा रहे हैं, गलत बटन उसका कर रहे हैं, क्या नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, उसके दिमाग में वो फीड हो जाता है और वही करता है जो हम बचपन से फीड कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा नालायक। तो यहां पे अगर आपको कामयाब होना है तो यहां पे जो आपने स्कूल कॉलेज की जो एजुकेशन ली हुई है, सॉरी टू से, वो यहां पे आपका बिल्कुल भी काम आने वाला, बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके पास कितनी बड़ी बड़ी डिग्री है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपने कौन से कॉलेज से डिग्री ली है, कौन से कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं, कौन कौन से आपने कोर्सेज किए हैं, उससे इसका कोई लेना देना। इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ आपसे एक बात पूछी जाती है कि दो क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है, पहला आपके बड़े सपने होने चाहिए, दूसरा आप हार्ड वर्कर होने चाहिए, दो क्वालिटी इसके अंदर है, दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से आपको नहीं रोक सकती, बाकी कोई क्वालिटी नहीं, और ये दोनों चीजें आपके अंदर हैं, बस उसको जगाना है, जामवंत की जरूरत है। हनुमान को भी जगाने के लिए जामवंत की जरूरत थी, पड़ी थी, वो जामवंत मैं हो सकता हूं, वो जामवंत आपका अपलाइन हो सकता है, वो जामवंत आपका रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी हो सकता है, कई बार आपकी अपलाइन की बात समझ में नहीं आएगी लेकिन आपका रिश्तेदार कोई ऐसा ताना मार देगा आपको बात समझ में आ जाएगी, आप कहेगा बेटा तेरे को मर्सिडीज लेके दिखाऊंगा, अभी तक तो करता या नहीं करता है, लेकिन अब जरूर करूंगा मर्सिडीज लेके दिखाऊंगा, वो रिश्तेदार भी आपके लिए जामवंत है। बहुत सारे उदाहरण है ऐसे जो कहते थे कि मैं अपने लिए कामयाब नहीं होना चाहता था, मैं अपने किसी को दिखाना चाहता था उसके लिए मैं कामयाब होना चाहता था, वो एक आग लगाओ अपने अंदर, कब तक लोगों के ताने सुनते रहेंगे, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकते, लगाओ ना दिल पे, बेटा तेरे को ही करके दिखाएंगे, चिंता मत कर, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो दूसरा जो पॉइंट यहां पे आप लिखेंगे वो है लर्न फर्स्ट, उसके बाद आप अर्न करेंगे, पहले आपको लर्न करना पड़ेगा फिर आपको अर्न करना पड़ेगा। लेकिन समस्या क्या है, लोगों का माइंडसेट क्या है, पहले इनकम आ जाए बस, पहले पैसा आ जाए बस। अब एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक ग्रेजुएट है और एक अनपढ़ है, ज्यादा सैलरी किसको मिलेगी, किसको मिलेगी, क्यों, पढ़ा लिखा है। अब वेस्टिज के अंदर एक ने वेस्टिज की पढ़ाई को अच्छी तरह किया है, एक अनपढ़ है, अनपढ़ हम यहां पे वाली पढ़ाई नहीं बोल रहे हैं, अनपढ़ वेस्टिज की पढ़ाई जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, अभी पॉइंट जो लिखवाऊंगा उसमें आप अनपढ़ हो,
बाहर कितनी डिग्री उससे मतलब नहीं है, लेकिन वेस्टर्न की पढ़ाई में आप क्या हो, अनपढ़ हो। तो दो लोग आते हैं, वेस्टर्न की पढ़ाई पढ़ता है, एक अनपढ़ रहता है, तो पैसा ज्यादा कौन कमाएगा, जो पढ़ाई कर रहा है। तो आप सब क्या कर रहे हो आज, पढ़ाई, तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लो। तो मैक्सिमम लोग जो फेल होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, पहले पैसा आए, पहले पैसा आए, पहले पैसा आए। यार पॉसिबल नहीं है ना, दुनिया का दस्तूर क्या है, जब तक किसी काम को सीखोगे नहीं उस काम में कामयाब होगे नहीं। सिद्धांत है ना, ये तो सिद्धांत है। ये मेरे पास एप्पल का फोन है, ये मैंने जिस दिन लिया था मुझे चलाना भी नहीं आता था, इसके सारे फंक्शन उल्टे हैं। सीखा या नहीं सीखा? अभी जिसको एप्पल चलाना नहीं आता, अभी मैं दूंगा ना और मैं उसको एक स्क्रीन पे भेज दूंगा, उसको बोलूंगा वापस आ, वो पागल हो जाएगा, वापस कैसे आते हैं, 10 बार बंद कर देगा इसको, सारे फंक्शन उल्टे हैं इसके। लेकिन सीख लिया तो आ गया। तो पहले आपको सीखना है, क्या सीखना है यहाँ पे, और इस बिजनेस को, इस बिजनेस की टेक्निक में, जितनी भी इस बिजनेस की टेक्निक है उसके अंदर आपको महारत हासिल करनी है। और जो इस बिजनेस की टेक्निक्स के अंदर महारत हासिल कर लेता है ना, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। वो टेक्निक्स हैं, वो आपको सीखनी पड़ेगी। उसी के लिए हम बोलते हैं 2 से 3 साल लगेगा इस बिजनेस की बुलंदियों पे आपको पहुंचने के लिए, उसी लिए बोला जाता है, ऐसे नहीं बोलते हम। और आप देख लेना, जिसका बिजनेस चल रहा है वो माहिर होगा आपसे ज्यादा, उसको महारत हासिल होगी। उस व्यक्ति को किसी के सामने बैठाओगे वो खटाक से प्लान देता होगा, खटाक से ज्वाइनिंग आ जाती होगी। उस आदमी को स्टेज पे खड़ा कर दो, माइक लेता है तो लोग उसके लिए ताली बजाते होंगे। उसका बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, उसका ओहरा अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज के अंदर महारत हासिल कर ली है। तो किस किस चीज में आपको महारत हासिल करनी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो लिखें आप नोट डाउन करें। सबसे पहली चीज,